अब सब कुछ निपटने के बाद एक अलग तरह का जो है माहौल है, सारे लोग अब बैठे हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाभी जी भी आई है उकला से, और हर बार वो हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसको छोड़ती नहीं है, तो आज भी आ गई है, पहुंच गई है। और सारे लोग देखो, और इधर ये सब लोग जो है आज आनंद ले रहे हैं इधर, क्योंकि दोस्तों सब कोई प्रोग्राम होता है, साथ का प्रोग्राम होता है तो फिर एक अलग तरह का माहौल होता है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों है आज हमारा लेंटर, और लेंटर की तैयारी चल रही है, और लेंटर डालने के लिए पूरी टीम आई हुई है अल्मोड़ा से, और मैं हूं आपका दोस्त सुमन सिंह बिल, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग ऑफ पहाड़। तो दोस्तों ये टीम आई हुई है अल्मोड़ा से, क्योंकि हाँ तो आजकल क्या होता है कि सब लोग जो है अल्मोड़ा से टीम बुलाते हैं हमारे पहाड़ों में, इधर साइड में हमारे सिलोर घाटी में, क्योंकि जो ये टीम भी, और हमारा प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। अनूप भाई ने आग वगैरह जला दी है और पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। अभी सुबह सुबह अंधेरा ही है, और हमारी बाकरी में आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा अभी पसरा हुआ है, और चारों तरफ तो दोस्तों भी पूरी तरीके से तो उजाला हुआ नहीं है, लेकिन हमारी बहुत से काम छूट जाते हैं, बहुत सामान भी छूट जाता है इसमें। तो मैं जा रहा हूँ अभी सीधे तिपौला, और तिपौला से लेकर के आता हूँ बचा हुआ सामान, और घर में काम शुरू हो चुका है। आलू वगैरह जो है रख दिए हैं उबालने के लिए, अनूप भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमने कल शाम के बर्तन वगैरह चाय वगैरह कल दिन के भी नहीं मार दिए तो वो भी मार दिए हैं, सब कुछ कर दिया है। तो अभी मैं फटाक से होकर जाता हूँ तिपौला से। दोस्तों अब लग रहा है कि थोड़ा सा उजाला हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। अब अभी तक एहसास था कि अंधेरा ही है, चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह आपके मन को जो है एक अलग तरह का जो है सुकून देता है। अलग अलग तरह के चिड़ियों का साउंड आपको सुनाई देगा सुबह सुबह,
तो दोस्तों तिपोला पहुंच गए हैं। मुन्ना भाई ने कल जो है हमारा सामान पूरा भेजा नहीं, ये आजकल थोड़ा सा इनका ध्यान ज़रा कम है काम पर और अपना, लेकिन सुबह सुबह उठ जाते हैं, उठ करके देखो लगे हुए हैं अपना साफ सफाई में ये, और दुकान वकान सुबह ही खुल जाती है, बाकी दुकानें दोस्तों बाद में ही खुलती है, बाकी सुनसानी है इधर अभी। पर इन्होंने मुझे सुबह सुबह दौड़ा दिया है, वहाँ आलू रख करके आया हूँ चूल्हे में आधे ही, फिर वो आधे फिर से उबालने पड़ेंगे पूरे आलू। अब ये कुछ और चीज़ भी है, अभी डिस्पोजल वगैरह भी है, डिस्पोजल चाय वगैरह के लिए गिलास वगैरह और थोड़ा कुछ वैसे ही और चीज़ें। तो दोस्तों मैं जब तक सामान लेता हूँ और फिर उसके बाद फिर होती है आप आगे की बात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों कुछ सामान जो है तैयार हो चुका है और मुन्ना भाई की चल रही चाय, और बस अब पैदल जाने की हिम्मत नहीं है, अब कोई गाड़ी आएगी तो फिर उसमें जाऊंगा मैं अपने कपडौला को और फिर वहाँ होगा बाकी काम। तो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ना कोई आता ही होगा। तो दोस्तों लेंटर डालने के लिए टीम भी आ गई है और सुबह सुबह बहुत ही सुहावना मौसम है पहाड़ का। ये छोटे लाल जी जो है उधर पहुँच गए हैं अभी, क्योंकि काम काफ़ी बाकी है अभी, क्योंकि जाल हाल भी नहीं बिछा है, लाइट वगैरह भी जो है नहीं हुआ है, लाइट का पाइप भी बिछाना है और जाल का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो सारे आए हैं अभी करेंगे है, तो अभी काम होगा शुरू। बस उधर चल रही है चाय पानी की तैयारी, नाश्ता पानी की सब चल रही है। तो दोस्तों अल्मोड़ा से टीम आई हुई है आजकल हमारे पहाड़ों में, जो हमारे इधर सिलोर घाटी में है, अल्मोड़ा से ही टीम आती है और ये लोग बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं और 2-2.5 घंटे में लेंटर पूरा करके जो है अपना चल देते हैं टाइम से। और जो हमारे पहाड़ों में होता है तो उसमें बहुत ही घिसपिच हो जाती है क्योंकि सारा सिस्टम बैठा, तो इनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और ज़रूरत पड़ती है अगर आपका जाल तैयार नहीं है तो उसमें भी ये लोग मदद कर देते हैं, हाँ, तो फटाफट जो है आपका काम जो है फिनिश करते हैं। तो चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको और आगे, नंबर भी मेरा बोल दीजिएगा। हाँ दोस्तों काम हो गया है शुरू और अभी चल रहा है इधर, और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, और चाय वगैरह हो गई है और इधर जो है चल रहा है नाश्ते की व्यवस्था। उमराव भाई लगे हुए हैं, उमराव सिंह नेगी जी उकला से, तो वह लगे हुए हैं अपने काम पर और सारे लोग अपने अपने व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और एक बार हम चलते हैं सीधे उस पर, चलते हैं नदी पर, देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है लिंटर पर। लेकिन छोटे लाल जी जो है इधर हैं, तो वहाँ अभी इन्होंने काम शुरू नहीं करा है छोटे लाल जी ने, तो छोटे लाल जी कुछ नहीं करे हैं अभी, खाली बस ऊपर अभी कुछ भी नहीं करा है शुरू। अभी उधर वो मसाला बना रहे हैं, तो ऊपर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये तो अभी कुछ नहीं है और ऊपर पाला भी पड़ा हुआ है, तो फिर अभी करेंगे तो उसके बाद होगा लाइट की सेटिंग होगी, पाइप वगैरह डाले जाएंगे। महाकाल लगे हुए हैं और दीपक भी है, दीपक तो साहब इधर चल रहा है
अभी हमारी फिटिंग का काम चल रहा है और महेंद्र बाबू भी हमारे आप पहुँचे हैं और आप लोग अक्सर देखते होंगे हमारे महेंद्र बाबू का सपोर्ट रहता है हर जगह पर, तो यहाँ पर भी वो आए हैं सपोर्ट के लिए क्योंकि उनका तो काम भी है इस चीज़ का, करते आए हैं और आजकल थोड़ा सा दूसरे काम में व्यस्त हो गए तो इधर कब ध्यान दे पा रहे हैं। और नीचे भी फिलहाल चल रहा है, वहाँ सामने चल रहा है, नाश्ता पानी हो रहा है अभी जितने लोग आए हैं अल्मोड़ा से लंटर डालने के लिए। और इधर जो है हमारा मसाला वसाला बन रहा है नीचे, तो लडवा और बिरेंदर लगे हुए हैं इधर और हमारी चल रही लाइटिंग की, ये हमने कुछ डाल दिए हैं कंसील्ड और इधर हमारा पाइप पड़ा हुआ है और छोटे लाल जी हैं, अनूप भी हैं हमारे साथ में, और इधर फैन बॉक्स डाल दिया है और एक सीलिंग इधर डाली है और एक इधर ये डाला है और ऊपर तीन यहाँ पर डाली हुई हैं। और ये हमने पाइप्स काट लिए हैं डाउन करने के लिए जो कनेक्शन होगा इसके लिए, तो हम शुरू करते हैं आगे का काम। तो दोस्तों पहले हम इन सारे पाइप्स को एल्फी से जोड़ेंगे, ये जोड़ दिए थे ना, तो हम कौन से जोड़ेंगे, ये जोड़ा हुआ ठीक है, तो हम इनको पहले एल्फी से जोड़ेंगे क्योंकि वैसे तो काफ़ी टाइट है, ये गिरेगा नहीं, लेकिन फिलहाल नीचे को झड़े नहीं, तो इसके लिए हम इसको जो है एल्फी से जोड़ देते हैं ताकि ये जो है नीचे को अपने आप गिरे नहीं। ये कर दोस्तों हमने अपना जो कंसील्ड है उसको भी पैक कर दिया है और ये इसमें कंसील्ड हमने पूरा पैक कर दिया है, पानी यानी जो सीमेंट का पानी वो जाएगा नहीं, जब पाइप हम अभी डालेंगे तो इसको खोलेंगे उसको मारेंगे और सीधे इसको पाइप सेट कर देंगे। तो यहाँ पर करना है क्या करूँ, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम करते शुभ काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, तो उससे पहले हम धीप धूप बत्ती वगैरह करते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो पहले ये जला लो ये हो गया, लाओ पाइप पर पानी दे दो भैया, लड्डू लाओ पाइप पर पानी दे, चलो तो लाओ बट उसको पानी लाओ, पानी का बाद बाद में डालेंगे। रुक जा अभी पानी से धो रहा हूँ भाई, उसको पैसे मत मगर यहाँ पर भी बात करनी है, यहाँ पर बात वो ये गांठ बात दो, ये गांठ को भी लगा, ये हम भी लगा लेते हैं, वो भी बात बात यार सब इसमें पढ़ाया करो चिपकने वाला बात यार, अरे बात दो तुम मालिक जी, और को भी लगा मारो अच्छा, अरे भाई लाइट वाइट कर दो रुक जा, अगर बाकी जरूरत था थोड़ी नीचे हमें फिर भी दर्शन दे दीजिए 2000 का, अरे हमारे को दर्शन दे दीजिए 2000 का, तो दोस्तों अभी फिलहाल हो गया, हाँ तो महेंद्र बाबू लगे हुए हैं इधर तराई करने में और तो लाइन बिछ गई है और थोड़ा सा रह गया है, तो फिर वो हम फिर डालेंगे। हाँ तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे आप लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं, तो हमें आप ये ज़रूर बताएं। तो दोस्तों खुद वो रखना ज़रूरी होता है तो इसलिए हमने हाथ लगा लिया है, तो ज़्यादा अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, अभी फ़ोन भी आ रहा है जाए। तो दोस्तों इधर से सीमेंट टूट चुका है, अभी थोड़ा बचा हुआ है और 24 कट्टे का जो अभी बनाई थी कहान पहली और फिर उसके बाद जो है बनेगा, और इधर भी
रेता भी तेज, रोड़ी भी इतनी उठ चुकी है। करो करो, आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप करो अपना काम। आप तो दोस्तों बीच बीच में थोड़ा हम लोग आ जा रहे हैं देखने के लिए, वैसे तो बाकी काम इनका ही है, पड़ रहा है, और क्योंकि बाकी बीच में डिस्टर्ब करना सही नहीं रहता है, उनका काम चल रहा है कर रहे हैं, और छोटे लाल जी सेटिंग कर रहे हैं इधर में, तो बस बीच बीच में जाल उठा भी रहे हैं ताकि सेट करना पड़ रहा है, मसाला डाल करके आराम से भैया, आराम से यार हाँ बहुत आराम से करना, जल्दीबाजी का कोई नहीं। तो उधर से एक एक करके बंदे ला रहे हैं, और हमारे ठेकेदार साहब भी जो है इधर है इंतज़ार में, यहाँ से दो बंदे उठाने के लिए हैं सीधे, और एक बंदा यहाँ से ले करके जाता है फिर यहाँ पर, तो अभी काफ़ी है, तो अभी फिर बनेंगे एक घन, और फिलहाल अभी इतना हुआ है, और अभी बच चुके हैं आपके 1:15 हो गया है। और दोस्तों दो बंदे इसलिए लगे हुए हैं कि परात भी बिल्कुल पूरा भर भर करके लाते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आधा परात लाना भी मुश्किल होता है, तो पूरी परात भर करके, और वो भी बड़ी उनकी परात है, तो इसलिए दो बंदे चाहिए उठाने के लिए, ये उठाया और फिर ले गए उधर मसाला। तो दोस्तों 24 कट्टे की घास जो है पूरी हो गई, शामू भाई भी आए थे कुछ सामान हमारा लेकर के, ठीक है हाँ आओ। तो अब जो है थोड़ा सा टी ब्रेक हो गया है, इसके बाद बनेगा बाकी मसाला और फिर पड़ेगा ऊपर, तो देखते हैं 24 कट्टा में जो है कितना हुआ है। तो और इधर क्या क्या चल रहा है देखते हैं, 5 लगेगा, तो इधर लगे हुए हाँ तैयार है, बस अभी चल रहा है चाय, अभी इधर चाय चल रहा है, सारे लोग थक गए हैं, तो अभी ये देखो कितना पसीना वैसे निकल गया, तो पोंछ पानी से मुंह धो करके और कर लिया है, तो सब पानी से मुंह नहीं धोला है, हाँ नहीं आप नहीं धोले हो, ये तो भैया धो लिए हैं, पसीने से भीग गए हैं वो, हाँ तो आप चाय पियेंगे, बाकी उसके बाद बनेगा चाय, तो खाली दूध के बनाती है। अच्छा अच्छा, ये लड्डू वगैरह हमारा कम और धनंजय का ज़्यादा बनाना है, तो इधर है धनंजय हाँ, और ये है धनंजय, देखो मोबाइल में भी लगा हुआ है और चाय भी ले रहा है, तो मैं लेकर के चलता हूँ आपको ऊपर, और धनंजय उधर बैठा हुआ है सामने, तो चलिए छत पर चलते हैं कि कितना, नहीं सॉरी धनंजय नहीं बीरेंद्र था वो, बीरेंद्र लास्ट में, तो ये मनीष आ गए हैं, क्रिकेट देखने गए थे लेकिन क्रिकेट आज नहीं हो रहा, सुना रेस्ट है, हाँ तो अब चलते ऊपर देखते हैं कि 24 कट्टे की घान में कितना हो गया है। तो दोस्तों लेंटर तक की बड़ी टेंशन रहती है, और एक बार आपका लेंटर पड़ जाता है तो फिर उसके बाद थोड़ा सुकून हो जाता है, और अब इसके बाद लेकिन काम अब और ज़्यादा होता है अभी, क्योंकि अब जो है सारा फिनिशिंग का जो काम रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सामान का भी रहता है कि भाई इतना सारा सामान आपको लाना है, कभी टॉयलेट का, कभी बाथरूम किचन, और टाइल्स वगैरह है, प्लास्टर वगैरह, तो बहुत सारा काम तो अब होता है, मेन काम अभी जो स्ट्रक्चर है वो पूरा खड़ा हो चुका है, लेकिन अब एक टेंशन ख़त्म तो दूसरी टेंशन फिर शुरू। हाँ तो दोस्तों अंदर लेकर के चलता हूँ मैं, अंदर जो है टेक वगैरह लगे हुए, तो किस तरीके से लगा है क्या लगा है, और वीरेंद्र हमारे साथ में जा रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र थे नीचे
चेकिंग में फिर वीरेंद्र के ऊपर आएगा सारा इल्जाम अगर कुछ गड़बड़ होगा तो। सब सही। हाँ, वीरेंद्र को यहाँ भेजा था टेक चेक करने के लिए। तो ये जो है नीचे टेक में दिखाता हूँ आपको, ये है और फिर जो है ऊपर आपके टेक्स सारे ये लगे हुए हैं। और अभी थोड़ा सेटिंग में थोड़ा बहुत दोस्तों होती है, बाकी तो अंदर हो जाता है क्योंकि पाइपिंग वगैरह सही हो चुकी है सारी। ये और ये है किचन, किचन का टेक भी सब लगा हुआ है इधर। ये ऊपर दो छत्ती है और यहाँ से फिर हम जाएंगे बाथरूम की तरफ को। और यहाँ ये बाथरूम है क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ ऊपर टेक लगा होगा और वहाँ लास्ट में घर। चलते हैं मैं बाहर को। ये और नीचे का स्थिति देखें। और फिर अगली घाट बन रही है नीचे, छः कट्टा की, पाँच छः कट्टा की जो है नीचे बनना है। तो दोस्तों दूसरी घाट भी तैयार है, बस मसाला तैयार है और बस तैयारी है ऊपर को ले जाने की। मसाला भी देखिए कैसा। हाँ, मसाला भी देखिए बहुत ही। मसाला क्या बन रहा है, कितने का बन रहा है? तीन एक का, मतलब तीन एक का है, है? तीन एक का मसाला है। तो दोस्तों उमराव भाई कह रहे कि खाना भी तैयार है, ये चल रहा है चावल। ये दूसरा मसालेदार चावल बना दिया है, तो बस ये लंटर पूरा होता है तो फिर खाना शुरू। तो दोस्तों काम लगभग पूरा हो गया है और मसाला भी फिनिश हो गया, थोड़ा सा छाटा जा रहा है। और चलो अब आपको लास्ट में लेकर के चलते हैं ऊपर। और तो ये रह गया आपका मसाला, लास्ट का रह गया है। हाँ, अच्छा बचा हुआ है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भी सेट हो जाएगा, तो ऊपर लेकर के चलता हूँ आपको मैं। हाँ वही तो ये सब फ्री हो गए हैं अब जो है, खुश हैं। तो अपनी जिम्मेदारी जो है उनकी पूरी हो चुकी है। तो चलते हैं ऊपर और देख लेते हैं, फिनिश हो गया है। ये देखो ठंडे ठंडे पानी से नहा भी लिया भाई लोगों ने, जो है आप नहाना धोना कर रहे हैं। ये अपना काम से निपट गए हैं, तो अब हम आपको ले करके चलते हैं ऊपर। एक बार आपको फिनिशिंग दिखा देते हैं कि भाई कितना हो गया है। हाँ, और पीछे से भी ये देखो। धनंजय और वीरेंद्र अब निरीक्षण कर रहे हैं ऊपर से, क्योंकि इधर का काम नहीं है और इधर लड्डू लगे हुए हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार ले जा करके। ये देखिए पूरा हो गया है और लड्डुआ लड्डुआ खड़ा हो गया है। अब मैं उसका वैसे कर रहा हूँ। तो दोस्तों आखिरकार लंटर पूरा हो चुका है और अभी बजे हुए हैं आपके 3:39 हुए हैं और लंटर जो है फिनिश हो गया है। और इसके बाद खाएंगे खाना और फिर लोग जाएंगे अपने अपने घरों को। और सब लोग हो चुके हैं फ्री, बस अपना अपना जो है मुँह हाथ धो करके पूरा तैयार हो रहे हैं। इधर चल रहा है फिनिशिंग। दोस्तों आज था हमारा लंटर का काम और लंटर बढ़ चुका है, तो आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। बाकी
हमारा चलेगा खाने पीने का काम। तो फिर होती है आपसे किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात, तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। अग्नि के उधर से ये देखो नहीं लग गया तो नहीं लग मुझे कुछ आओ मैडम।